ओके दोस्तों, तो इसमें ये एक लेगेश और सीलिंग डिवाइस है। सीलिंग डिवाइस के अंदर इसका ओनली वन स्लॉट ही है, क्योंकि ये मल्टी नहीं है। ये LS10 के नाम से आती है। एक इसका अपग्रेड वर्जन है जिसमें आपको बायपोलर अटैचमेंट मिल जाएगा, मोनोपोलर मिल जाएगा, लेगेश और मिल जाएगा। ओके, तो ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पे इसका प्रोब लगता है। यहाँ पे ये स्लॉट कॉमन है। इसमें आपके पास अगर लेप्रोस्कोपी का प्रोब हो तो भी सेम स्लॉट लगेगा, ओपन का प्रोब हो तो भी आपको सेम स्लॉट लगेगा। ओके, तो अभी मेरे पास है ये ओपन का प्रोब, जिसमें ओपन सर्जरी करते हैं, तो उसमें ओपन वेसल सीलर जिसको बोल सकते हैं, मिनी। ये कर्व है, कर्व शेप में आता है। ओके, ये इसका वायर रहता है जो ऑलमोस्ट लेप्रोस्कोपी और ओपन दोनों में सेम लेंथ का आता है। ये इसका अटैचमेंट रहता है। तो जो ये वाइट अटैचमेंट है, जैसे देखो ये खड्डा बनाया हुआ है, उसमें थंब प्रेस करके रखने का होता है, तो थंब प्रेस करके आप उसको यहाँ पे स्लॉट में अटैच कर सकते हो। देखिए, ओके, डन। ये सेम आपको लेप्रोस्कोपी में भी की प्रोब में भी सेम मिलेगा, ओपन की प्रोब में भी सेम मिलेगा, ओनली प्रोब ही अलग आएगा। तो इसके अंदर ओपन के प्रोब में क्या रहता है, यहाँ पे इसका एक्टिवेशन बटन रहता है जो ऑटोमेटिक प्रेस करोगे आप तो प्रेस हो जाएगा। ये इसका, और ये इसका कटिंग ब्लेड रहती है। देखिए, देखिए यहाँ पे जस्ट बाहर इसकी कटिंग ब्लेड है। ओके, ये नॉर्मल सीलिंग करेगा आपको। ओके, अगर आपको कट करना है तो जस्ट सील करके आप इसको। ओके, तो हाउ टू वर्किंग जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो बने रहिए वीडियो में। ये मैंने अटैच कर दिया पीछे। ओके, पावर कोड, यहाँ पे फुट स्विच आता है, तो आप फुट से भी इसको एक्टिवेशन कर सकते हो। इसका वॉल्यूम का बटन आता है कि आपको वॉल्यूम कितना चाहिए। ओके, तो बढ़ते आगे, वहाँ मैंने प्लग पावर ऑन कर दिया है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लीजिए, प्रेस करके रखिए, चालू हो जाएगा आपका। ओके, ये चालू ऐसे होता है, लुक एट दिस, ये पूरा सर्कल हो जाएगा। ओके, आवाज़ आपको सुनाई दी, एक बार और करते हैं। बंद करने के लिए भी सेम प्रोसेस, प्रेस इट। ओके, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो आपको पता चलेगा। ओके, जेंटली प्रेस एंड छोड़ दीजिए। ओके, ये हो गया। इसके बाद आपको इसके अंदर जो प्रोब का आपके पास जो हैंड पीस पड़ा है उसको आपको अटैच करना है। अटैच करते ही आपका एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सिंबल एक्टिव हो जाएगा। ओके, इसका मतलब आपका प्रोब वर्किंग है, अटैच हो गया है। ओके, देन यू कैन ये इसका एक्टिव हो गया है। ओके, तो मैं इसको वर्किंग करके बताऊंगा कि ये सीलिंग कैसे करता है। ओके दोस्तों, मैंने एक गॉस पीस लिया है, वेट गॉस पीस। ओके, जस्ट डेमो है।
यानी कि ये साइकिल कंप्लीट हो गई। ओके, जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे ये रनिंग करना स्टार्ट होगा। ये थोड़ा आपको रनिंग दिख नहीं रहा है, ये रनिंग लग रहा है इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी रनिंग हो नहीं रहा है, ये इफेक्ट इसका गलत आ रहा है। ओके, वापस करते हैं। ये वाइट वाइट डॉट गया, और उसके बाद आप इसको सब उसको कट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कट भी है, लुक एट दिस। ओके, सेम प्रो। अब अगर आप इसको सीलिंग करना है ओनली, तो यू कैन जो नॉर्मली कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी साइकिल इनकम्प्लीट होगी तो यहाँ पे येलो येलो कलर की लाइट इंडिकेट करेगी। लुक एट दिस, जैसे ये मैंने ये मैंने अनकम्प्लीट साइकिल की है, तो ये आपको ऑरेंज कलर या हल्की सी येलो कलर की लाइट इंडिकेट करेगी। लुक एट दिस। ओके, अगर साइकिल कंप्लीट होगी तो आपको ये पूरी पर्पल कलर की लाइट इंडिकेट करेगी। ओके, लुक एट दिस। ओके, तो जस्ट मैं इसका आपका प्रोब लैप्रोस्कोप का भी प्रोब आपको बता देता हूँ। सेम, जैसे ही आपको डिसमेंटल करोगे यहाँ पे वाइट लाइट हो जाएगी। ओके, तो ये है लेप्रोस्कोपी का प्रोब, जो करीबन 5 mm थिकनेस आती है और 37 सेंटीमीटर लॉन्ग आता है, कोविडिन का ये। ये मेरे पास स्ट्रेट प्रोब है, इसमें आपको कर्व भी आता है। ओके, इसका थोड़ा फंक्शन अलग है, इसमें आपको एक्टिवेशन की यहाँ पे नहीं है, एक्टिवेशन की जस्ट ऊपर दिया हुआ है थंब पे, तो आपको जस्ट इसको क्लिक छोड़ दीजिए। जैसे आपको छोड़ोगे तो ये लॉक हो गया, यानी कि आपका टिश्यू ग्रिप हो गया अंदर। ओके, एंड देन यू कैन फायर, और यहाँ पे कट करने के लिए सेम है। कट करने के बाद या सीलिंग करने के बाद आपको उसको जस्ट वापस प्रेस करना है, अनलॉकिंग करना है, और प्रो खुल जाएगा। अभी मेरे पास है मेरलैंड जो जो कर्व आता है, ये लेप्रोस्कोपी में अपना कर्व शेप में रहता है, ये भी 5 mm और 37 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, ये लेगा शो मेरलैंड कर्व जो है। ये आपको 180 यानी कि 360 रोटेबल नहीं है, क्योंकि उनको खोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास ये अनस्ट्राइल किया हुआ है, अनस्ट्राइल है नहीं मेरे पास अभी फिलहाल। ओके, इसका भी ये जो वायर की लेंथ है ये सेम आती है, और इसका जो अटैचमेंट रहता है वो भी सेम आता है। ओके, इसमें आपको लेगा शॉर में आपको ओपन का मिल जाएगा, ओपन में कर्व मिल जाएगा, और कर्व में भी वो मीडियम था, इससे लॉन्ग भी मिल साइज में आपको लंबा हैंड पीस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको ये 37 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसमें आपको ये नॉर्मल लेप्रोस्कोपी का है, इसमें अगर आपको बैरियाटिक चाहिए तो बैरियाटिक भी मिल जाएगा।